This is a Hero Electro, and this is sold around the world. India mein 72% market share hai hamara. 20,000 rupaye ki gaadi ban rahi hai. Jab Hero ne macro trends read kiye to Europe mein 1,30,000 gaadi biki e-car, EV. And 30 lakh gaadi e-bike thi. 1 lakh versus 3 million. तो ईवी रेवोल्यूशन कौन लीड करेगा? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल टू एड्रेस इज गोइंग टू कम फ्रॉम मोर नंबर्स. तो इंडिया में भी अगर ले लो तो 5,000, 8,000, 10,000 कार, 20,000 कार बिकेगी. ये तो 20,000 पर मंथ हम बना रहे हैं. सो हीरो का प्लान है कि अगर हमें फेम 2 मिल जाती है तो 10,000 रुपीज़ की गाड़ी देंगे और 10 लाख गाड़ी हमारा जो भी हीरोज वॉल्यूम प्लेयर तो उतना हम वॉल्यूम कर रहे हैं. हमारी जर्मन R&D है, इंग्लिश स्टाइलिंग स्टूडियो है, तो बेस्ट ऑफ डिज़ाइन, बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ के साथ हमारी गाड़ी तैयार हो रही है. सर, आपकी कंपटीशंस के बारे में अगर आप बता दें, सर कंपटीटर से आप कैसे लीड करेंगे? हमारा कंपटीशन या हमारा इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. हमारा कंपटीशन इज कार. इंग्लैंड में कार छोड़ के आदमी इसके ऊपर जा रहा है. सो आई विल नॉट कॉल इट कंपटीशन, बट आई विल कॉल इट माइग्रेशन फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो बस में जा रहा था वो इंडिपेंडेंट मोड में जा रहा है. एक हमारी फोल्डिंग ई बाइक है, घर से लेके जाओ, मेट्रो में फोल्ड कर लो, मेट्रो से खोलो एक मिनट के अंदर और ऑफिस में ले जाओ, यू फ्री. सो डी कंजेशन हो गई, अर्बन डी कंजेशन हो गई, सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स हो गए. सो दिस इज द वर्ल्ड ट्रेंड. लाइक आई गिव यू द नंबर्स इन द अर्लियर. आने वाले दिनों में किन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है? तो हम एक ई साइकिल वैली बना रहे हैं पंजाब में, लुधियाना के पास में. सो टू मिलियन इज द कैपेसिटी फॉर दैट. 26 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी वाला साइकिल इको सिस्टम. तो 250 करोड़ हम अपना डाल रहे हैं, 600 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स होगी, इंक्लूडिंग सप्लायर्स, प्लांट्स इन्वेस्टमेंट्स. सर, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक इनिशिएटिव इन ई व्हीकल्स, एस्पेशियली ई स्कूटर्स एंड ई बाइसिकल्स? गवर्नमेंट शुड स्टडी द अनाउंसमेंट्स ऑफ द फ्यूचर एंड द रियलिटी हाउ इट इज मूविंग. इफ दे सी देयर इज अ गैप, दे शुड कॉल अस एंड आस्क व्हाई. And then you can benchmark in Europe what has happened and say e-cycle will lead the industrial EV revolution.